हेलो दोस्तों, क्या हाल आप लोगों के। उम्मीद करो सब बढ़िया ही होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेरा जो लैपटॉप है, ये उसमें यहाँ पे कर्सर जो आप मेरे नहीं सबके लैपटॉप या कंप्यूटर में जो कर्सर बात है वो व्हाइट कलर का, व्हाइट और ब्लैक कलर के साइड के बॉर्डर के साथ आता है, जो कि बहुत सिंपल और बेकार सा लगता है मुझे सही में। लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको चेंज कर सकते हो। मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि आज आप कैसे चेंज कर सकते हो। ठीक है, अपने कर्सर कलर नहीं पूरा कर्सर चेंज कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में, बहुत कम एमबी में। ठीक है, तो उसके आपको कुछ डाउनलोड भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ऐप नहीं वेबसाइट से ही हो गया काम। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर खोल लेगा जो भी आप चाहो। ठीक है, यहाँ पे मैं क्रोम का यूज करता हूँ। ओके, यहाँ पे जैसे कि खुल चुका है। अब आपको यहाँ पे जो एक डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर जाना है। ठीक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आपको उस पर आए तो कुछ इस तरीके का जो है ये खुल जाएगा, इंटरफेस देख सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 लाख से भी ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ कर्सर ऐप सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे गेमिंग कर्सर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर लूँगा गेमिंग कर्सर। क्या पे मैंने गेमिंग कर्सर जो है सर्च कर लिया है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे आ गए, ये वाला आ गया है, ये है, देख सकते हैं कितने सारे हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दो है। ये देख सकते हैं कितने सारे, देख सकते हैं पेज चल जाएंगे इनके पास, इतने सारे हैं अभी गेमिंग के लिए, और भी बहुत सारे देख सकते हैं आप। यहाँ पे आपको मैंने लिंक दिया, वहाँ से जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, मतलब आपको मिलेगा नहीं वेबसाइट, मगर लिंक दिया है वहाँ से। ठीक है, क्योंकि इसका होगा। ठीक है, देख सकते हैं, जैसे मैं आपको कोई एक लगा के दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला है। ठीक है, ठीक है, तो आप इस पे जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे डाउनलोड 45 KB है बस, तो आपको डाउनलोड क्लिक कर देना सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, डाउनलोड। ठीक है, मैं यहाँ पे पहले भी एक कर रखा है, तो मैं आपको लगा के दिखा देता, आपको चेंज करके भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड हो गए, तो इसको यहाँ पे आपको, ठीक है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको 2 लगा के दिखाऊंगा, आपको 1 लगा के दूसरा हटाना है, तो वो कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको सिंपली कंट्रोल पैनल में चल जाना होगा। कंट्रोल पैनल में जाके ओपन कर लेंगे। ओके, यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सिंपल से पहले, ठीक है, और गाइस एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, आपको क्या करना है। मैंने आपको दो लिंक दिए डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आपका 32 बिट PC है तो आपको फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, 64 बिट PC है तो सेकंड पे। अब मैं आपको चेक करके एक बार बता देता हूँ, जैसे आपको चेक कहाँ से, तो यहाँ पे मैं जिस लिखा, ठीक है, प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे देख सकते हैं, मेरा लैपटॉप जो है यहाँ पे दिखाएगा, यहाँ पे आपको 1 GB RAM है, ठीक है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मैं सेकेंड वाले लिंक पे गया था। मतलब अगर आपके 32 बिट है तो आप फर्स्ट वाले पे जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि आपको कैसे लगाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको बस अपना लिख देना है माउस, आपको सिर्फ माउस लिख देना है। यहाँ पे आपको देखेगा चेंज द माउस पॉइंटर डिस्प्ले और स्पीड, आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे पॉइंटर पॉइंटर ऑप्शन पे जाके खुलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है पॉइंटर वाले पे, यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे। तो आपको यहाँ पे ब्राउज का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक, यहाँ पे होने के बाद आपको जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया था वहाँ पे आपको चलना। देख सकते हैं, देख सकते हैं ये मेरा होगा, इसको आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ओके, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे मेरा जो भी कर्सर है वो चेंज हो गया है। ठीक है, देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं मेरा कर्सर जो है पूरा चेंज हो चुका है, ये देख सकते हैं। ठीक है, इस तो अग और अगर आप चाहे कि आपको हटाने दूसरा लगाने, तो आपको क्या करना है, वापस से माउस क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको माउस क्लिक करना होगा और यहाँ पे वापस से यहीं पे जाओ, चेंज द माउस पॉइंट है, पॉइंटर पे जाना होगा, और आपको यूज डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है और अप्लाई कर देना है। जैसे मैं आपको करके दिखाऊँ, अप्लाई 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 करते ही देख सकते हैं नॉर्मल वाला आ गया है। अब वापस उसको लगाना है, ब्राउज पे गया मैं, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे गया, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लिया, देख सकते हैं यार, बहुत इजी है यार, आप ऐसे कर सकते हो, जिससे कि यार बढ़िया फीलिंग आती है। अगर आप गेमिंग वेमिंग करते हो तो काफ़ी बढ़िया ज़्यादा फीलिंग आ जाती है। ठीक है यार, तो बस यार इस तरीके से आप लगा सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं और टेक वीडियो बनाऊँ और चीज़ें बनाऊँ, बिल्कुल लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते
मिलते हैं ये वीडियो में, जब तक के लिए गुड।